दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। बड़वानी मध्य प्रदेश शासन एवं केंद्र सरकार की प्रत्येक योजना गरीबों को समर्पित है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण के जीवन स्तर को सुधारना। हमारे देश के विकास एवं निर्माण में मजदूरों की विशेष भूमिका होती है। मजदूरों के भी जीवन स्तर में सुधार हो, उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, CNA या विदेशों में पढ़ाई करें, इसके लिए शासन द्वारा कई योजना चलाई जा रही है। शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों का यह दायित्व है कि उन योजनाओं को धरातल पर पहुँचा कर अधिक से अधिक मजदूरों को इनका लाभ दिया जाए। मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य समनिर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष श्री हेमंत तिवारी ने उक्त बातें गुरुवार को जिला पंचायत सभागृह बड़वानी में आयोजित बैठक के दौरान कही। बैठक के जिला श्रम अधिकारी श्री के एस मुजालता ने बताया कि जिले में 9,885 ऑनलाइन एवं 12,254 ऑफलाइन निर्माण श्रमिक कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत हैं। इस पर अध्यक्ष श्री तिवारी ने निर्देशित किया है कि अधिक से अधिक संख्या में निर्माण श्रमिकों का ऑनलाइन पंजीयन कर कर्मकार कल्याण मंडल की योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। गरीबों का, शोषित पीड़ितों का, मजदूरों का, अनाथों का ये बोर्ड है जिसके अंतर्गत हमारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, योजनाओं का लाभ दिलाना और ये सब इसके अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत जो योजना है इसमें जो पंजीकृत श्रमिक होते हैं उनको किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती तो हम 2,00,000 भुगतान 6,000 अंत्येष्टि के देते हैं। यदि वो पंजीकृत नहीं है, अपंजीकृत है, तो भी उसको हम 4,00,000 रुपये का भुगतान करते हैं। UPSC PSC के अंदर जाता है तो उसको 15,000, 25,000, 50,000 उसका भुगतान देके UPSC PSC की कोचिंग मध्य प्रदेश या किसी भी अन्य संस्थानों से कहीं से भी करता है भारत से, उसका जो भी कोचिंग का फीस का भुगतान होता है उसका हम करते हैं। शिक्षा जन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हमारे 49 कैटेगरी, इलेक्ट्रिशियन भी आता है, प्लम्बर भी आता है, तकनीकी काम करने वाला आता है, सड़क का काम करने वाला आता है, तो ऐसे जो मजदूर होते हैं इनका बच्चा किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से, MBBS या इसके समकक्ष इंजीनियरिंग की डिग्री करता है, उसका जो भी फीस लगती है 16,00,000-32,00,000 उसकी फीस का भुगतान करते हैं। बड़वानी में कितने पंजीकृत और अपंजीकृत मजदूर हैं? अभी यहाँ पे 8,432 के आसपास यहाँ का टोटल फिगर है उसका। अभी जो कैंप लगा इसके माध्यम से संख्या बढ़ी है। बड़वानी का फिगर बहुत संतोषप्रद नहीं है, उनको मैंने बताया कि इसको बढ़ाना है। इसके बाद में फिर आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5,00,000 रुपये तक का इलाज होता है। विदेश में जो पढ़ने के लिए जाता है तो उसके लिए हम $40,000 जो आज की स्थिति में लगभग 36,00,000 रुपए के आसपास होते हैं वो 10,000 भरण पोषण के लिए देते हैं। फिर रेन बसेरा के लिए हम 30,00,000, 25,00,000, 20,00,000, 15,00,000, पंचायत तक को हम 10,000 रुपए का, 10,00,000 रुपए तक का भुगतान करते हैं। आज ही मैंने सभी CSEO को बताया कि आप उनके यहाँ से प्रस्ताव भेजें ताकि मजदूर हो सके। अम्माल सेठ के लिए 2.45 लाख का भुगतान करते हैं। प्रसूति योजना के अंतर्गत 16,000 रुपये, 4,000 उसका डिलीवरी के पहले, 12,000 का भुगतान उसमें हम बाद में करते हैं। और इसी के साथ साथ में हमारे विद्यालय भी चल रहे हैं, समोदय विद्यालय, उस समोदय विद्यालय के माध्यम से हम इन गरीब बच्चों को वहीं पर रहवासी की सुविधा देते हैं और वहीं पर उनको हम पढ़ाई का पूरा जो खर्चा रहता है, और ये शायद एक सेंट्रल स्कूल से अच्छे स्कूल हमारा, उसमें हम पढ़ाई करते हैं। अभी हमारा एक आदर्श ITI जो इंडिया का शायद बहुत अच्छा ITI होगा, लगभग 100 करोड़ की लागत से भोपाल में बन रहा है, DPS के पास में, उसके माध्यम से हम वहाँ बच्चों को, मजदूरों को, 49 कैटेगरी के बच्चों को हम प्रशिक्षित करेंगे, वहीं से उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे। और आगे हमारी योजना के अंतर्गत हम और भी कई योजनाएं इसमें सम्मिलित कर रहे हैं, विदेश के साथ साथ और भी कई योजना जोड़ रहे हैं। अभी मेरा अन्य राज्यों का भी दौरा हुआ था जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश का किया है, छत्तीसगढ़ का किया है, महाराष्ट्र जा रहा हूँ, वहाँ पर अच्छी